इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर गोगावा पुलिस ने अवैध पिस्तल और देशी कट्टे की सप्लाई का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सिकलीगढ़ और उज्जैन के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 25 पिस्तल और कट्टे बरामद कर लिए हैं। एसएपी धर्मवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि गठित टीम ने मुखबिर के बताए स्थान ग्राम मच्छल गांव में घेराबंदी कर अजय सिंह पिता गुरदेव उर्फ गोगा 20 वर्ष निवासी सिगनूर को पकड़ा है, जिसके साथ लाए बैग से 13 पिस्तल व 2 देशी कट्टे निर्माण सामग्री कीमत रुपए में 3 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा अजय के घर से 5 पिस्तल बरामद हुए हैं और एसएपी ने बताया है कि अजय को पिस्तल बनाने में पिता गुरुदेव उर्फ गोगा ने भी मदद की थी, जो फरार है। इसके अलावा एक भाई हथियार निर्माण और तस्करी के आरोप में इंदौर जेल में बंद है। उज्जैन के बदमाश ने की थी मांग। पूछताछ में अजय ने पुलिस को बताया है कि अपने पिता गुरुदेव उर्फ गोगा के साथ मिलकर तैयार किए हैं और अकबर उर्फ खन्ना पिता महबूब खान निवासी चिंतामण नगर थाना चिमनगंज उज्जैन और अमन लोहार उज्जैन को बेचने के लिए बनाए थे। पहले भी उन्हें हथियार बेच चुका है। पुलिस ने अजय की निशादेही पे अकबर को उज्जैन से गिरफ्तार किया। उज्जैन जिले के हिस्ट्री शीटर है व उस पर लगभग 15 अपराध पंजीबद्ध है। अकबर उर्फ खन्ना के कब्जे से 5 देसी पिस्तल करीबन 1 लाख रुपए की कीमत के बरामद कर लिए गए हैं। मामले में आरोपी अमन लोहार और एम एल नगर उज्जैन तथा गुरुदेव उर्फ गोगा पिता सरदार सिंह सिगनूर फरार है। एसएसपी ने बताया है कि हथियार निर्माण मामले में कबाड़ियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर सामग्री इन्हें कबाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं और इसके अलावा हथियार का सौदा कर रुपए का लेन देन भी अशातिर तरीके से कर रहे हैं। उसमें जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मोगामा क्षेत्र के सिगनूर इलाके में लगातार इस प्रकार की शिकायतें रहती है कि वहाँ कई व्यक्तियों के द्वारा अवैध हाउस बनाए जाते हैं। तो पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसमें थाना प्रभारी मोगामा को इनपुट प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति है जो सिगनूर का रहने वाला है और वो बड़े स्केल पे इस प्रकार के अवैध आयाम बनाता है। 11 तारीख को एक बड़ी पार्टी से उसकी डील की हुई है और हथियार लेके जाने वाला है। इस पे एक स्वैप प्लान किया गया, उसमें अजय को कस्टडी में लिया गया। उसकी कस्टडी से 15 पिस्तल बरामद हुई। सब्सिक्वेंटली पूछताछ हुई तो उसका जानकारी ये मिली कि अमन नाम का व्यक्ति था जो उसे डील करने वाला था और इसके द्वारा बड़ी संख्या में हथियार एक अकबर नाम के व्यक्ति को जो उज्जैन में रहने वाला है और वहाँ का क्रिमिनल है उसको भी सप्लाई किए गए हैं। इमीडिएटली उज्जैन टीम भेजी गई तो उज्जैन से अकबर को हिरासत में लिया गया है। ये पूरे ऑपरेशन में 25 पिस्टल सीज हुई है और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करके और भी जो लोग इनके संपर्क में होंगे इनसे डील किए।